सैनिटाइज होकर पहुंचेंगी भाइयों की कलाई तक राखी। जिला कारागार में बनाया गया रक्षाबंधन सहायता केंद्र मुरादाबाद कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष बहनें जिला कारागार में बंद अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध सकेंगी, मगर बहनों के द्वारा भेजी गई राखी सैनिटाइज होकर भाइयों की कलाई तक जरूर पहुंच जाएंगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला कारागार पर रक्षाबंधन सहायता केंद्र बनाया गया है, जहां पर बहनें अपनी राखी जमा करा सकती हैं। वे राखी सैनिटाइज होने के बाद रक्षाबंधन वाले दिन उनके भाइयों की कलाई तक पहुंच जाएंगी। कोरोना संकट काल के चलते इस बार रक्षाबंधन पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी नहीं बांध सकेंगी, लेकिन बहनों की राखियां उनके भाइयों की कलाई तक जरूर पहुंच जाएंगी, जिसको लेकर मुरादाबाद के जिला कारागार के बाहर रक्षाबंधन सहायता केंद्र कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है, जहां बहनें अपनी राखियां जमा करा सकेंगी, जिन्हें सैनिटाइज करने के बाद रक्षाबंधन के दिन उनके भाइयों को सौंपा जाएगा। जिला कारागार में बने इस रक्षाबंधन सहायता केंद्र पर बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां जमा करा रही है। कोरोना महामारी के मद्देनजर जिला कारागार प्रशासन द्वारा ये सहायता केंद्र बनाया गया है। मेरा नाम रामकिशोर है, मैं बहुत से आया हूँ और इस टाइम जो मुरादाबाद में यहाँ पे जो है इस बार कोरोना महामारी के चक्कर में अबकी बार जो है बहनें राखी नहीं बांध पा रही हैं, जो कि हर बार ऐसा होता था जेल के अंदर, लेकिन इस बार नहीं हो पा रहा है कोरोना महामारी के चक्कर में। लेकिन राखियाँ तो जा रही हैं, लेकिन आज जमा हो रही हैं, उसके बाद जो है 3 तारीख तक पहुँच जाएंगी भाई के पास राखियाँ, और पहले सैनिटाइज की जाएंगी, उसके बाद जो अंदर पहुँच पाएंगी। तो इस बार ऐसा नहीं हो पाया, काफ़ी हम जो है काफ़ी मामला बहुत गड़बड़ है और बहनें काफ़ी नाराज़ हैं इस बात को लेकर, क्या करेंगे कुछ का ऐसा जो डिजीज़ बना दें।